सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकर श्रवलद भोल सांचे दरबार की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम भक्रतुंड श्लोके दीर्घ शिव उवाच। देवी तं भक्तसुलभे सर्वकार्याविधायिनी कलौहि कार्यसिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यत्नतः। देव्योवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेश्च साधनम् मया त्वमेव स्नेहेन प्रम्भा स्तुतिः प्रकाश्यते। ॐ अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोके स्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषिः अष्टौ छन्दः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्या देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम् सप्तश्लोके दुर्गा पाठे विनियोगः। ज्ञानीनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादागृश्यमोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो स्वस्ते स्मृता मतिमतीह शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखव्यहारिणिका त्वदन्याम् सर्वापकारकरणाय सदार्थचित्ता सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमस्तुते। शरणागतदीनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्यापि हरे देवे नारायणे नमस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयव्यस्राहिणो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। रोगानशेषानपः स्तुष्टा हृष्टातुकामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति। सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वयाकार्यम् अस्मद्भैरविनाशनम्। ॐ श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गास्तोत्र शतनाम स्तोत्र ईश्वर उवाच। शतनाम प्रवक्ष्यामि श्रीकमलानने यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सती। ॐ सती सा धीर्भव प्रीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया चाध्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चण्डघण्टा महातपा मना बुद्धिरहङ्कारा चित्तरूपा चिताचितिः सर्वमन्त्रमयी सत्ता सत्यानन्दस्वरूपिणी अनन्ता भाविनी भव्या 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 सदा गतिः।
शाम्भवी देव माता च चिंता रत्ना प्रिया सदा सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अवर्णानेकवर्णा च पाटला पाटलापते पट्टाम्बर परिताना कलमञ्जीररञ्जिनी अमेयविक्रमा क्रूरा सुन्दरी सुरसुन्दरी वनदुर्गा च मातङ्गी मतङ्गा मुनिपूजिता भ्रामे माहेश्वरी चेन्द्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुण्डा चैव वाराही लक्ष्मीश्च पुरुषाकृतिः विमला दर्शनी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिता बहुला बहुला प्रेमा सर्ववाहन वाहना निशुम्ब शुम्ब हरणी महिषासुरमर्दिनी मधुकेतवहन्त्री च चन्द्रमुण्डा विनाशिनी सर्वासुरविनाशा च सर्वदा नवघातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रधारिणी तथा अनेकशस्त्रहस्ता च अनेकशस्त्रधारिणी कुमारी चैव कन्या च केशवी ज्योति जतिः अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरे मुक्तकेशे घोररूपा महाबला अग्निज्वाला रुद्रमुखे कालरात्रिस्तवस्विनी नारायणी भद्रकाले विष्णुमाया जलाधरी शिवधूते कराले च अनन्ता परमेश्वरी कात्यायिनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी जायिनं प्रभते नित्यं दुर्गा नाम शताष्टकम् नासाध्यं विद्वते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती धनं धान्यं सुतं जायमयमस्तिकमेव च चतुर्भर्गं तथा चान्द्रे लभे मुक्तिं च शाश्वती कुमारे पूजयित्वा तु धत्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयेन्द्रया भक्त्या पठे नाम सदाशरम् तस्य सिद्धिर्वे देवी सर्वैश्वरवरैरपि राजानो दासतां जान्ते राज्याय श्रियम् अवाप्नुयात् गोरोचनालट्टककुङ्कुमेन सिन्दूरकर्पूरमधुत्रयेण विलक्ष्ययन्त्रं विलिना विदिघ्य भवे सदाधार्यते पुरारिः भौमाभासादिशामग्रे चन्द्रे शतविशां गते विलक्ष्य प्रभे स्तोत्रं सारे साम्रजापद प्रातःकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ विभूति के दरबार में अभिनंदन आप सबका हार्दिक स्वागत इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ विभूति की स्तुति की जा रही विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण ही इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिवगुहा के अंदर माँ विभूति की पूजा माँ की अर्चना की जा रही ऐसी मान्यते है कि जब माँ विभूति की पूजा होती है पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ विभूति की स्तुति करते हैं आरती की इस पवित्र वेला में जो ही भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं माँ का नाम स्मरण करते हैं माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती है आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें आपकी मनोकामना को आपके मनोरथ को पूर्ण करें जय आरती की वेला है बड़ी उत्तम वेला है इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना अर्चना पुण्यकर्म माँ भगवती की स्तुति इसका क्षयफल होते हैं विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए आपकी सुख समृद्धि के लिए आपका बुद्धि के लिए आपके उन्नति के लिए आपकी दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है जहाँ स्तोत्र वास्तव में
परम कल्याणकारी ही, सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले ही, धन धन की वृद्धि करने वाले ही, जो ही भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होते ही उनका यश उनका मान उनकी कीर्ति बढ़ती है, वह आरोग्यता को प्राप्त होते ही दीर्घायु को प्राप्त होते हैं, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस माँ जगजन्य माँ जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। अथ देव्यः कवच। ॐ अस्य श्री चण्डे कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनष्टम छन्दः चामुण्डा देवता अञ्जन्या सप्तमातरा बीजम् दिगबन्ध देवतास्तत्त्वम् श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशतीपादाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच। ॐ जद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां जनकस्य चिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामहम्। ब्रह्मा उवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं दिव्यास्तु कवचं पुण्यं तश्रुश्व महामुने प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणीं तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रेति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गः प्रकीर्तिताः। उक्तानेतानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्था शरणं गता नातेषां जायते किञ्चिदशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि ज्येष्ठ भक्त्या श्रुतानोऽनं तेषां वृद्धिः प्रजायते ज्येष्ठां स्मरन्ति देवेषि रक्षचेतान संशयः प्रेतसंस्थातु चामुण्डा वाराही महिषासना इन्द्रियगजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कुमारी शिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपाथरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरा सर्वा सर्वयोगा समन्विता नानाभरणशोभाद्या नानारत्नापशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढा दिव्या क्रोधसमाकुला शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधम् खेटकं ताम्बरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्ताजुधं त्रिशूलं च शारङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभिहाय च दारयन्त्यायुधा नित्यं देवानां च हिताय मे नमस्ते अस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिने त्राहि मा देवि दुष्प्रचय शत्रूणां भयवर्धिने प्राचारक्षतुमामेन्द्रे अग्नेयामग्निदेवता दक्षिणेव द्वाराहि नैऋत्यं खड्गधारिणि प्रतीचां वारुणे रक्ष्य वायभ्यां मृगवाहिनि उदीचा पातु कौमारी ईशान्यं शूलधारिणि ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्ष्य तदस्ता वैष्णवे तथा
एवं दश दिशो रक्ष चामुंडा शववाहना जया मै चाग्रत पातो विजया पातो पृष्ठत अर्जा भाम पार्श्वे तो दक्षिणे चापराजिता शिखा मुद्वर्तने रक्ष तुमा मूर्धने व्यवस्थिता माला धरे ललाटे च प्रभो रक्ष निशस्विनी त्रिनेत्रा च प्रभोर्मध्य जमघंटा च नासिके शंखने चक्षुषोर्मध्य श्रोतयोर्द्वारवासिनी कपाला कालिका रक्ष कर्णमूल तुषांगरी नासिकायां सुगंधा च उत्तरस्य च चर्चिका अतये च मृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारे कण्ठदेशे दुचण्डिका घण्टिका चित्तघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षे दुर्गं रक्ष पाचमे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाले च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहि कण्ठे नलिकां नलकोभरी स्कन्दयोः खड्गने रक्ष बाहु मे भद्रकारिणी हस्तयोः दण्डने रक्ष अम्बिका चाङ्गुलेषु च नखाशूलेश्वरी रक्ष कुक्षो रक्ष कुलेश्वरी सरो रक्षेन्महादेवी मनः शोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभोजकामने रक्ष गुह्यं गुह्येश्वरी तथा भूतनाकामिका वैद्रं गुदे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्ष जानुने विन्ध्यवासिनी जङ्घे महाबला रक्ष सर्वकाम प्रदायिनी गुल्भयोर्नारसिंहे च पादपृष्ठे तु तेजसि पादाङ्गुलेषु रक्ष पादादस्थलवासिनी नखाङ्गश्लाकराले च केशाञ्चेव ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरे त्वचं भागेश्वरी तथा रक्तमज्जामसामासा न्यस्य मेधांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मापदे पद्मकोशे कभे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखेन खज्ज्वालामवेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्ष छायां क्षत्रेश्वरी तथा अहङ्कार मनोबुद्धिर्रक्ष मे धर्मधारिणी प्राणापानां तथा व्यानम् उदानं च समानकम् भद्रहस्ता च मे रक्ष प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्वस्य च जोगिनी सत्त्वं रजस्तमस्यैव रक्षे नारायणी सदा आयो रक्षतु वाराहि धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशा कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं वित्तं च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्ष पशु मे रक्ष चण्डिके पुत्रा रक्ष महालक्ष्मी भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानां सुमता रक्ष मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वदा सदा रक्षाहीनं विजयस्थानं हर्जितं कवचेन तु तत् सर्वं रक्ष मे देवि जयन्ति पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेतो यदिच्छेच्छोमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सर्वकामिकः जं जं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वरी अमृतं प्राप्स्यते भूतले भवान् निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेषु पराजितः त्रैलोक्ये सुवेत्पूज्यः कवचेनावृतापमान् इदं तु तेभ्यः कवचं देवानाम विदुर्लभम् जापटे प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं कृत्यान्वितः देवी कला भवेतस्य त्रैलोकेषु पराजितः जीवेषु वर्षतं सग्र अपवृत्तो विवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लोता विस्फोटकादयः साबरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि जद्विषम् अविचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचरः केचरः चैव जलजश्चोपदेशिकाः सहजाकुलजा माला डाकनी शाकनी तथा अन्तरिक्षाचरा घोरा डाकनश्च महाबला ग्रहभूतविचाच यक्षगन्धर्वराक्षसा
ब्रह्मराक्षस वेताल कुछ मांडा बेरवाद्या नश्यन्ते दर्शना तस्या कवचे हृदि संस्थिते मानो नित्यम वैराग्य तेजो वृद्धि करम परम जसदा भरते सवे कृत्य मंडित भूतले जपेत सप्त शतं चण्डं कृत्वा तु कवचं पुरा यावत् भूमण्डलं दत्त शशलवनकालनं तावत् स्थितमय जन्यां सन्तति पुत्रपौत्रके देहान्ते परमं स्थानं जसुरेरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यमहामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते अथ अर्गलस्तोत्र ॐ अस्य श्री अर्गलस्तोत्रमन्त्रस्य विष्णो ऋषिः अनष्टवछन्दः श्रीमहालक्ष्मीर्देवता श्रीजगदम्बा प्रीतये सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः शण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ जयन्ति मङ्गलाकाले भद्रकाले कपालिने दुर्गा क्षमा शिवा दात्रे स्वाहा नमस्तु ते जय त्वं देवि चामुण्डे जय भूतार्थिहारिणी जय सर्वगते देवे कालरात्रे नमस्तु ते मधुकेटव निद्रावे विधात्रे वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि महिषासुरनर्नाशे भक्तानां सुकृते नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि रक्तबीजपदे देवे चण्डमण्डविनाशने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि शुम्भस्य धूम्रक्षस्य वर्धने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि वन्दिताङ्गे देवे सर्वसौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि अचिन्त्यरूपचरते सर्वशत्रुविनाशने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि न तेभ्यः सर्वदा भक्ता चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि तु भद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वं चण्डिके व्याधिनाशने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि चण्डिके सततं जयत्वा अर्चयन्ति भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि देहि सौभाग्यम् आरोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि विदेहि दुष्टां नाशं विदेहि फलमुच्चके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमं श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि सुरासुरशिरोरत्नानि कृष्णचरणयम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि विद्यावन्तं यशवन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं गुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि प्रचण्डदैत्यदर्पग्ने चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संसदे परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि कृष्णेन संसुते देवे षष्ठभक्त्या सदम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि हिमाचलसुतानाथ संसुते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि इन्द्राणीपति सर्वाप पूजिते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि देवी प्रचण्ड दुर्चण्ड दैत्यदर्प विनाशने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि देवी भक्तजनो दाम दत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि
पतने मनोरमां देहि मनोवृत्तानुदारणे तारणं दुर्गसंसार सागरस्याकुलोद्भवा इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठे नरः साधु सत् सति संज्ञा परमापनोति सम्प्रणा अथ कीलक ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवऋषिः अष्टमछन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थम् सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्गकण्ठे उवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रियाप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्गतारिणे सर्वमेतद्विजानीयान्मन्त्राणामविकीलकम् स्वाभिक्षेमम् वाप्नोति सततम् जाप्य तत्परः सिद्ध्यन्तु चाटनादीनि वस्तूनि सकलानपि एतेन सुभगां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो नौषधम् तत्र न किञ्चित् विविध्यते विना जापेन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम् समग्रानपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्का विमाहरा विद्वानि मन्त्रयामास सर्वमेवमिदम् शुभम् स्तोत्रमे चण्डिकाय स्तोत च गुप्तम् चकार सः समाप्तेन च पुण्यस्य तम् यथा वन्नियन्त्रणा सौभिक्षेमम् वाप्नोति सर्वमेवम् न संशयः कृष्णायाम् वा चतुर्दश्याम् अष्टम्यम् वा समाहिता ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यदेशा प्रसीदति इत्थमरूपेण कीलेन महादेवेन कीलतम् ज्योतिशिलाम् विधायेनम् नित्यम् जपति सङ्कुटम् सदिद्धः सागना सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न देवा परतस्य भयम् कमापि जायते नापमृत्यो वशम् जाते मृतो मोक्षमाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वन्नो विनश्यति ततो ज्ञातेव सम्पन्नम् इदम् प्रारभ्यते बुधेः सौभाग्यादिगत् किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत् सर्वम् तत्प्रसादेन तेन जाप्यामिदम् शुभम् शनेस्तु जाप्यमाने स्वस्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यकैः भवत्येव समग्रापि तदा प्रारभ्यमेतत् ईश्वर्यम् यत्प्रसादेन सौभाग्यरञ्जसम्पदा शत्रुहाणि परो मोक्ष श्रूयते सारे श्रीमहिषासुरमर्दने स्तोत्र हरि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्दशिरोदिनि वासनि विष्णुविलासनि केशवते भगवति हेशति कण्ठकुटुम्बनि भूरि कुटुम्बनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकपरदिनि शैलसुते दुरबर बर शनि दुर दर दर शनि दुर्मुख मर शनि हर शरते त्रिभुवन पोषण शंकर तोषण तिल विषभोषण घोषरते धन जन रोशन दिति सुत रोशन दुर्मद शोषण संत सुते जय जय हे महिषासुर मर शनि रम्यक बर धन शैल सुते आय जगदम्ब मदम्ब कदम्ब मन प्रियवासनि हासरते शिखर शिरो मन दम्ब हिमालय शृङ्गज जालय मथनते मध मधुरे मधुके तव कञ्चन के तव मञ्जनि रासरते जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्यक मर्दनि शैल सुते आय शतखण्ड विखण्ड तरुण्ड विखण्ड ण्डविपातमण्डपटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दनि शैलसुते भैरन् दुर्मद शत्रुपदोदित दुरता
मति दान मधुत पिता तमते जय जय हे महिषासुर मर्दन मर्दन सुते हरि शरणागत मेरे बलो बल वीर भरा भय दाय करे शिव बन मस्तक शोल विरोध शिरोध पिता बल शोल करे तुम तुम तामर तुंद विराज महोम करे दिन मकरे जय जय हे महिषासुर मर्दन महिषासुर मर्दन मर्दन शैल सुने रन संग रन क्षण संग परेश्वर दंगन दे कनक प्रसंग प्रसन्न शंकर सदभटा भटुके कृत चतुरंग लक्ष्मी रंग कटौरंगर दान भटुके जय जय हे महिषासुर मर्दन रंगक मर्दन शैल सुने जय जय गत्य जय जय शब्द परस्तुति तत्पर विश्वनुते जन 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 जम जन तनो सिंह समोहित भूत पदे नटि कन दार्थन की नट नायक नाटित नाट्य सुगार ते जय जय हे महिषासुर मर्दन रंगक मर्दन शैल सुते हे समन 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 समनोहर रजनी 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 पर भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुर मर्दन मर्दन शैल सुते सहित महाभ मल्लम तल्य कमल्य तरल्य कमल्लर ते जय जय हे महिषासुर मर्दन रंगक मर्दन शैल सुते अविरल नंदन लन मन मेदर भस्तम संदज राजपते शिव वन भूषण भूत कला निधि रूप प्रयोन दि राज सुते आई सुत तेजन लाल समान सोहन मन मत राज सुते जय जय हे महिषासुर मर्दन सकल विलास कला निलया क्रम खेल चलन कल हंस कुले हल कुल संकुल कुमलय मंडल मोल मिलन बकुलाल कुले जय जय हे महिषासुर मर्दन रंगक मर्दन शैल सुते कर मुरली रम वेद रघोषित रचित कोकिल मंजुमते खिलत पुलिंद मनोहर गुंजित रंजित शैलन कुंज गते निजगन भूत महाशबरी गन सर्गुन संवित केल फले जय जय हे महिषासुर मर्दन रंगक मर्दन शैल सुते घटिकट पीतत कूल विक्रम योग तिरस्कृत चंद्र रुते कनक सुरासुर मोल मन सुरधंजल बंधक चंद्र रुते यत कन काचल मोल पदार्थ निर्भर कुंजर कुंभ तुते जय जय हे महिषासुर मर्दन रंगक मर्दन शैल सुते विजित सहस्र करे क सहस्र करे क सहस्र करे शंकर तारक सोन सुते सुरज समाधि समान समाधि समान समाधि सुजातर ते जय जय हे महिषासुर मर्दन रंगक मर्दन शैल सुते पद कमलम करुणा निलये परिवश्यत यौन दिनं सुषुवे आई कमले कमला निलये कमला निलया सकथं न भवेत् पदमेव परम पदमित्यनुशीलयतो मम किं न शिवे
क्षमा प्रार्थना है अक्षमा प्रार्थना अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरणे शामया दासो यन्ति मात्वा क्षमस्व परमेश्वरी आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम् पूजां चैव न जानामि त्वां परमेश्वरि मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि जनपूजितं मया देवि परिपूर्णं तदस्तु मे अपराधशतं कृत्वा जगदम्भे चरे जागृति समभापनोति नाता ब्रह्मादयासुरा सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्त स्वां जगदम्बिके इदानीम् अनुकम्प्योऽहं यत इच्छसि तथा कुरु अज्ञानाभिस्मृतेर्भ्रान्त्याम् जन्योऽनमधिकम् कृतम् तत्सर्वम् क्षम्यताम् देवि प्रतिद परमेश्वरि कामेश्वरि जगन्मातः सच्चिदानन्द विग्रहे गृहानार्चामि मां प्रीत्य प्रसीद परमेश्वरि गुह्याति गुह्यतो प्रीत्वा गृहानास्वत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवि त्वत्र स्वाधा सुरेश्वरि सच्चे ज्योतवली माता तेरी सदा ही जय शब्द मनोर्थ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय बोलो सच्चे धर्म की जय तभी ओम शब्द का नाद होगा तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा आप सही भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ इन स्तोत्रों द्वारा इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो हम भक्तों का वरदान दो हम भक्तों का कल्याण करो सभी भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे ओम
प्रिय बंधु, बड़ा ही शुभ समय आप भक्तों को जो आरती का प्राप्त हुए हैं, ये जगजन्य जगत माता के दरबार में आकर के इस परम पवित्र स्थली पर बैठ करके माँ भगवती जगजननी जगत माता की आराधना करने का, पुण्य अर्जित करने का, इस माँ भगवती की विशेष कृपा प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुए हैं। जिस स्थान पर बैठ करके आप माँ भगवती का स्तवन कर रहे हैं, जे तपस्थल ही तपोभूमि है, इसी स्थान से होकर के माँ वैष्णो देवी ने इस गुहा के अंदर प्रवेश किया था और इस गुहा के अंदर माँ भगवती आदिशक्ति तीन दिव्य पिंडी को विराजमान होकर के तप कर रही हैं। जब घोर कल युग आएगा तब इनका प्रादुर्भाव होगा, जो प्रकट होंगी, पापियों का नाश करेंगी, भक्तों की रक्षा करेंगी। जब माँ भगवती आदिशक्ति इस गुहा के अंदर माता महाकाली, माँ लक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती इन तीन पिंडी रूप में माँ विराजमान है, माँ भगवती का मूल आधार जो है, मूल जड़ से जो एक ही पिंडी है, 5.5 फुट की ये पिंडी है, चरण चरण गंगा बहती है, ऊपर आकर के तीन शक्ति बन गए, तीन स्वरूप हो गए हैं और उन तीनों महाशक्तियों के दर्शन है वह पिंडी के रूप में, और इन तीनों शक्तियों को जो है मनुष्य के जीवन में होना बड़ा ही अनिवार्य है। और ये तीन शक्तियां जी के ऐसा स्थान है जहां पर एक साथ जो है इन तीनों देवों का, इन तीनों शक्तियों का आशीर्वाद, इनकी कृपा जो प्राप्त होती है। शारीरिक शक्ति निरोगी जीवन, धन शक्ति और ज्ञान शक्ति, ये तीन शक्ति है। माता महाकाली जो शरणागत भक्तों को शक्ति का वरदान देती है, शत्रु का नाश करती है, रोगों से मुक्ति देती है, निरोगी जीवन देती है, शत्रु और विजय दिलाती है, देश विदेश में अंग संग जो है रक्षा करती है। माता महालक्ष्मी माँ वैष्णवी जो शरणागत भक्तों को धन लक्ष्मी का वरदान देती है, कारोबार वृद्धि करती है और सर्वत्र भक्तों का मंगल मंगल करती है, सुख देती है, शांति देती है, संतान सुख देती है। माता महासरस्वती जो शरणागत भक्तों को विद्या बुद्धि का वरदान देती है, ज्ञान देती है, विवेक देती है। इस प्रकार से इस देवी की आदिशक्ति की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की पूजा जो है, ये सब ओर से परम कल्याण को देने वाली है, सब सुखों को देने वाली है और सर्वत्र जो है जे मंगल को देने वाली है। जहां जहां भी साधक जो है माँ का उपासक जाते हैं, वहां वहां उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, कभी उनके कार्य में विघ्न बाधा नहीं आती, कभी कहीं भी असफल नहीं होते, जिन पर इन तीनों देवियों की कृपा हो जाती है, उनका यश, उनका मान, उनकी कीर्ति जो है सदा सर्वदा अटल बन रहती है। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए, जो भी अपने जीवन में अपना कल्याण चाहते हैं, अपने जीवन यात्रा सुख चाहते हैं, उन्हें प्रयत्न पूर्वक ये देवी की पूजा, इस शक्ति उपासना जो अवश्य करनी चाहिए, सच्ची निष्ठा से, सच्चे हृदय से, विशुद्ध मन से जब एकाग्रचित होकर के साधक जो है माँ का ध्यान करता है, माँ का स्मरण करता है, माँ को याद करता है, यकीन मानिए जे माँ भी उन भक्तों को याद करती है। ऐसा नहीं आप याद करते हैं तो जे माँ याद नहीं करती, आप स्मरण करते हैं और माँ उसी क्षण जो है आपको बुलावा भेज देती है, अपने दरबार में बुला लेती है, क्योंकि इसके बुलावे के बिना कोई यहाँ पर आ नहीं सकता, क्योंकि जो भगवती आदि शक्ति जो है, देव जो है भावग्राही जनार्दना, जे भक्त के हृदय की बात को जानते हैं, आपके हृदय में, आपके मन में, आपकी बुद्धि में, आपके मस्त में क्या चल रहा है, ये सब जानती है। और जिस भाव से जो साधक माँ के शरणागत होकर के माँ से प्रार्थना करता है, जय भगवती, उसी रूप से उनकी प्रार्थना को स्वीकार करती है, उन्हें आशीर्वाद देती, उन्हें वरदान देती है, उनके सब कार्य जो है सिद्ध होते हैं, उनकी समस्त मनोवलक्षित कामना जो है वह पूर्ण होती है। जो सुखार्थी सुख की कामना करते हैं, माँ भगवती उन्हें सुख देती है। जो विद्यार्थी विद्या की कामना करते हैं, माँ भगवती उन्हें विद्या बुद्धि का वरदान देती है। जो धनार्थी धन की कामना करते हैं, माँ भगवती उन्हें धन लक्ष्मी का वरदान देती है। जो पुत्रार्थी
संतान सुख की कामना करते हैं, माँ भगवती उन्हें संतान सुख देती है, संतान का वरदान देती है। जो किसी रस जो है किसी कष्ट से युक्त हैं, किसी व्याधि से युक्त हैं, निरोगी जीवन चाहते हैं, हमारा जीवन जो है हमारा शरीर जो है निरोगी बना रहे, तो भगवती उनको आरोग्यता का वरदान देती है। इसलिए जिस भाव से जो साधक जन माँ से प्रार्थना करता है, माँ के शरणंगत होकर के माँ का स्मरण करते हैं, माँ को प्रणाम करते हैं, माँ का आशीर्वाद से उसका जीवन जो है सदा सर्वदा आनंदमय बना रहता है। क्योंकि माँ जिन पर कृपा करती है उनके जीवन में आनंद आनंद होता है, मंगल मंगल होता है। कहीं उनका मंगल नहीं होता, कभी कोई जीवन कष्ट विपत्ति आ भी जाए तो उन कष्टों का विपत्ति का पता नहीं चलता, आए कैसे चली कैसे गई, जिन पर इस माँ की कृपा हो जाती है। बोलो सच्चे द्रवाद। तो इसलिए माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भक्तजन जो है माँ के दरबार में आकर के माँ से करवत प्रार्थना करते हैं कि देवी प्रसन्न होइए और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों का आशीर्वाद दीजिए। हे माँ, आपकी पूजा में आपकी आराधना में आपकी अर्चना में किसी प्रकार से भी हमसे कोई त्रुटि हुई हो, कोई भूल हुई हो, किसी प्रकार से कोई जानने अनजानने में हमसे कोई अपराध हुआ हो, कोई पाप हुआ हो, तो माँ भगवती हम भक्तों को क्षमा करना और हम भक्तों का मार्गदर्शन करना, हमें सद्बुद्धि सद्ज्ञान देना, सर्वदा हम पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना, अपने चरणों की अविचल भक्ति प्रदान करना, हमें अपने चरणों के साथ लगाए रखना, इस तरह से अपने दरबार में बुलाती रहना, अपना आशीर्वाद हमें देती रहना, और आपके आशीर्वाद से हम भक्त जो हैं, हम भक्त का जीवन जो है कल्याणमय हो, सुखमय हो, मंगलमय हो, ऐसी हम पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। बोलो सच्चे द्रवार की जय। तो निष्ठा में आपको बता रहा था कि सच्ची निष्ठा से, यदि निष्ठा जो दृढ़ हो तो कठिन से कठिन कार्य भी जो है देवी पूर्ण हो सकता है, उसमें सफलता मिल जाती है। सच्ची निष्ठा से किसी भी कार्य में आप चाहिए, देखिए बच्चे जब एक संकल्प ले लेते हैं, निष्ठा कर लेते हैं, मुझे जी इस सब्जेक्ट में जो है मुझे कार्य करना है, तो सच्ची निष्ठा से जब वह अग्रसर होते हैं तो उसे सफलता अवश्य मिलती है। किसी भी कार्य के लिए जो है निष्ठा युक्त होकर के उस कार्य को करते हैं तो उसमें अवश्य सफलता मिलती है। मनुष्य के पास जो है दुख मिटाने के लिए सुखों की प्राप्ति के लिए शांति पाने के लिए सफलता प्राप्त करने के लिए उसकी निष्ठा पर्याप्त है। ऐसे नहीं कई बार व्यक्ति जो है हतोत्साहित हो जाते हैं, ये मेरा काम हो ही नहीं सकता, ऐसी कोई बात नहीं, कोई काम हो न सकता हो। आपकी निष्ठा आपका मनोबल जो है इस प्रकार से होना चाहिए, क्योंकि जो माँ पे भरोसा रखते हैं, अपने इस देह पर भरोसा रखते हैं, वे कभी भी हतोत्साहित नहीं होते, कभी विचलित नहीं होते, उनका मन कभी विचलित नहीं होता है कि माँ कृपा करेगी, सब कार्य जो है वही करते हैं, हम तो निमित्त, हमको चलना, हमको करना है, वो अपने आप शक्ति देगी, आपको पता नहीं चलेगा वह कार्य कैसे सिद्ध हो रहे हैं। इसलिए सच्ची निष्ठा, अपनी निष्ठा जो है अपना कल्याण करने के लिए जो है ये पर्याप्त है। तो सच्चे हृदय से कभी जीवन में जो है ये याद रखना कि शल कपट जो है, जो व्यक्ति जो है अपने हृदय में बाहर कुश है अंदर कुश है, शल कपट रहते हैं, क्योंकि ये सृष्टि ये सब उसी की रचना है, और जो इस प्रकार से शलकपट करते हैं, द्वेष करते हैं कि दूसरा जो है उन्नतशील कैसे हो रहा है, वे आगे कैसे बढ़ रहा है, द्वेष करता है, तो उसके जीवन में कभी सुख नहीं होता। चाहे कितनी धन संपत्ति आ जाए, संतान सुख मिल जाए, घर ग्रस्त सब कुछ ठीक हो, परंतु ऐसा व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। आप जानते हैं कि द्वापर में धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे और देव कृपा से सब सुख उसे प्राप्त हुए, राज्य की प्राप्ति हुई, संतान एक नहीं 101 मिली, धन संपत्ति की कमी नहीं थी, परंतु जीवन भर क्या हुआ, दुखी रहा। कारण द्वेष, दूसरों का मुझे मिल जाए तो जो दूसरों को पाने के लिए जो है उसको छीनने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता है कि वह रिद्धि सिद्धि को क्यों प्राप्त हो रहा है, ये सब मुझे मिल जाए और सब मिल भी जाए तो वह सुखी नहीं होता।
इसलिए संतोषम परम सुखम जो उसकी कृपा से उसके आशीर्वाद से प्राप्त है उससे संतोष करे उसकी भक्ति करे तो जीवन कभी दुख हो नहीं सकता। अपने पास जो है उसका वह सुख भोग नहीं पा रहा है, जो दूसरे के पास है उसके लिए वह दुखी हो रहा है, इसके पास क्या हुआ यही दुख का कारण है। तो इसलिए जो है सच्ची निष्ठा से माँ के शरणागत होकर के जो साधक जन माँ की उपासना करते हैं भगवती कृपा से सब प्रकार के सुखों को प्राप्त करते हैं। प्रहलाद की निष्ठा देखो कि पिता जो है स्वयं पिता जो है कितना कष्ट देते हैं पर प्रहलाद की निष्ठा है कि मेरा हरि मेरा भगवान जो है वह सर्वत्र है वह मेरा रक्षक है मेरी रक्षा करेगा। तो अग्नि ने जो है प्रहलाद को नहीं जलाया लेकिन जिसको वरदान था कि अग्नि उसको जला नहीं सकती उसको जला दिया। इसलिए होलिका जल गई वह जल मरी परंतु प्रहलाद जो है उसका बाली भांका नहीं हुआ। ये निष्ठा का फल होता है, सच्ची निष्ठा है तो अवश्य उसका फल जो है अपने वह निष्ठा फल लेकर के आती है। इसलिए निष्ठा थी शबरी की। शबरी जो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, कोई ज्ञान नहीं था, कुछ आता जाता नहीं था, बेलन थी। गुरु जी ने कह दिया कि शबरी राम जी के पास तुझे नहीं जाना पड़ेगा, राम जी के पास तुझे नहीं जाना पड़ेगा, शबरी राम जी के पास आपको नहीं जाना पड़ेगा, तू आश्रम की सेवा करना, राम जी अपने आप जो है तेरे पास आएंगे। ये निष्ठा है। और भगवान श्री राम जो है शबरी का पता करते 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 शबरी के आश्रम में पहुंचे। बड़े बड़े वहां पर संत महात्मा रहते तब कहे करते थे हम तो ज्ञानी हैं, हम तपस्वी हैं, इतने वर्षों से हम तप कर रहे हैं, यज्ञ करते हैं, होम करते हैं, जप करते हैं, पाठ करते हैं, इस प्रकार से भगवान तो पहले हमारे यहां पर आएंगे। सब ऋषि मुनि को ये था परंतु सबसे पहले भगवान कहां गए शबरी के आश्रम में। तब उनको आश्चर्य हुआ संतों को ये था कि किसी को तप का ऐसा नहीं है कि अहंकार जब आता है चाहे कोई ज्ञानी मनुष्य है चाहे तपस्वी है, तपस्वी कहता मैं इतना तपस्वी हूं, योगी कहता मैं इतना बड़ा योगी हो गया हूं, भक्त कहता मैं बहुत बड़ा भक्त हो गया हूं, इतने मैंने तीर्थ किए हैं, इतनी बार वैष्णो देवी के दर्शन किए हैं, बहुत बड़ा भक्त हो गया हूं। इसलिए जीवन में कभी किसी प्रकार लेश मात्र अहंकार मत कीजिए, यही कारण था उन्होंने ऋषियों में संतों में। लेकिन शबरी में ये नहीं था मैं तो निर्धन हूं मेरे घर भगवान कहां आएंगे। मैं प्रतिदिन रात देखती थी भगवान आ रहे हैं, हर दिन जो प्रातःकाल जैसे उठती तो सायंकाल हो जाता, प्रतीक्षा करते करते अब जो है अब नहीं पहुंचे हैं, प्रातःकाल आएंगे प्रातःकाल आएंगे। कहते हैं जिस समय सबरी जी ने अपना घर त्यागा था उस समय उसकी अवस्था जो थी वह कहते हैं 16 वर्ष की थी और आज सबरी की अवस्था जो थी 80 वर्ष की थी, 80 वर्ष की हो चुकी थी। भगवान वहां पर आए, भगवान का साक्षात्कार हुआ। बोलो सच्चे दरबार की जय। इस प्रकार सब लोग उसको पागल कहते थे। शबरी की निष्ठा ने जो है राम जी को अपने द्वार पर जो है ला दिया और झूठे बैर जो है ये खिला करके दिखा दिया कि इसका नाम है निष्ठा, इसको निष्ठा कहते हैं। सबको दिखा दिया और आज भी जो है उसका नाम जब बड़े आदर से लिया जाता है तभी कहते हैं कि भक्ति में अद्भुत शक्ति होती है, इससे कीर्ति अटल बनी रहती है मनुष्य का। जब तक जो है जे सूर्य जे चंद्रमा गतिमान है तब तक उनका वंश जो है उनका नाम कीर्तिमान होता है और जो है उनका वंश जो चलता है, उनका नाम कभी मिटता नहीं। इस प्रकार से प्रहलाद के निष्ठा से ही जो है नृसिंह भगवान जो है ये प्रकट हो गए थे। निष्ठा से ही भगवान को नृसिंह रूप में वहां प्रकट होना पड़ा। ध्रुव की निष्ठा से भगवान नारायण जो है प्रकट हो गए। क्या भक्ति थी उनकी कि 5 वर्ष की अवस्था से ध्रुव की जो है 5 वर्ष का बालक जो है, तभी कहते हैं कि बच्चे में बालक में जो है भगवान भगवान बच्चे जो है भगवान का रूप होते। क्यों कहते हैं बच्चे में कोई छल कपट नहीं होता, उसमें कोई द्वेष नहीं होता है, बच्चा कहते हैं कि बिल्कुल सच्चा होता है, उसमें कोई झूठ नहीं होता। क्या झूठ ये सब कुछ ये कहां से सीखता है
जहां आकर के, उसके लिए कोई पाठशाला नहीं होती। और कहते हैं कि एक बालक जो था खेल रहा था, सामने से कोई व्यक्ति आया, उसके पिता ने कहा बेटा इधर आ, गया उसको कहना जी आदमी आ रहा है, ये मेरे लिए पूछेगा कि तेरे पापा कहाँ हैं, तो कह देना मैं घर में नहीं है, मैं घर में नहीं है। तो झूठ कहां से सीखता बच्चा? अब बच्चा तो पता नहीं झूठ बोलना कैसे है। व्यक्ति आया, आकर पूछा तेरे पिताजी कहाँ हैं, उसने कहा, उसने मना किया है तो अंदर है, उन्होंने मना किया बताना मत, वो घर पे नहीं है। तो ये बच्चे में कोई शलकपट नहीं होता। तभी कहते हैं उसके, तो ध्रुव जो था वह बिल्कुल सच्चा था मन का, और एकदम उसका ध्यान लगा, गुरु मिल गए देवश्री नारद जी, मंत्र मिला, और मंत्र के द्वारा जो है कहते 6 महीने में भगवान को आना पड़ा। बा ध्रुव इस प्रकार तब करते, कहते ही पांव के एक अंगूठे पर खड़े होकर के जिस समय उसने तब आराधना करना शुरू की, तो कहते हैं ये तीनों लोग काम गए थे, सब देव जो है भगवान विष्णु के पास गए, महाराज प्रलय हो जाएगी यदि आप वहां पहुंचे नहीं तो। ऐसी बालक की वह निष्ठा, ऐसी उसकी वह साधना थी। तो ये क्या था? ये निष्ठा थी उसकी। भक्त की भक्त में इतनी शक्ति होती है, भगवान को हिला देता, भगवान को आना पड़ता है। इसलिए भक्ति ऐसी हो कि स्वयं वे आकर के पूछे कि बेटा बोल, तो चाहता क्या है, क्या तेरी इच्छा है, ऐसी भक्ति होनी चाहिए। सच्ची भक्ति जो है कहते कि समर्थ राम जी के, समर्थ रामदास जी के भाई जो रामीदास जी जो है, रामी रामदास जी, इस प्रकार से उसे माँ ने कहा कि बेटा तू हनुमान जी की भक्ति कर, एक तक उसकी ओर देख। कुछ लोग कहते हैं ध्यान नहीं लगता है, आप जो जगाते हैं ज्योत में एक तक देखिए, उसमें अपनी दृष्टि रखिए, साधना कीजिए, देखिए कैसे कृपा आती है, आपका जीवन बदल जाएगा। साधना की विधि होती है, वह विधि जो है वह सदगुरु से ही प्राप्त होती है। किस प्रकार साधना करनी है, इस तरह से वह माँ ने जो है, माँ जो है जो बच्चे की प्रथम गुरु होती, पहली गुरु होती है। तो कहते कि बच्चा कहे रामी रामदास जो है, यही समर्थ रामदास के छोटे भाई थे, और जो है जब माँ ने उपदेश दिया है तो हनुमान की आराधना कर, हनुमान के शरणक धो करके एक तक उसकी ओर देख, भगवान हनुमान का तुझे साक्षात दर्शन होगा। तो माँ ने जैसा बतलाया वैसा उसने किया। तो कहते हैं 8 वर्ष की अवस्था थी, 8 वर्ष की आयु में जो है उसे ही भगवान हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए, हनुमान जी आकर उसके पास बैठे और वार्तालाप हुआ, बात भी की। ये है निष्ठा। इसलिए मेरा कहने का अभिप्राय यह था कि निष्ठा युद्ध होकर के अपने कल्याण के लिए, सुखों की प्राप्ति के लिए, दुखों को दूर करने के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए मनुष्य की निष्ठा ही पर्याप्त है। सच्ची निष्ठा युक्त होकर के आप भगवती की शरण धोकर के किसी मंत्र को लेकर के माँ की साधना कीजिए, माँ से प्रार्थना कीजिए, अवश्य जगजन्य जगत माता की आप पर कृपा होगी, और आपकी जो मनोलक्षित कामना होगी, आप मन में जो विचार करेंगे अपने आप माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से वह पूर्ण होते जाएंगे। अब सोचिएगा दो चमत्कार जीवन हो रहे हैं, जहाँ जाता हूँ ऐसी कृपा हो जाती है कि मिट्टी को हाथ लगाते हैं वह भी सोना हो जाती है, जीवन किस चीज की कमी रहती ही नहीं। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो आप बड़े ही भाग्यशाली हैं जो माँ की कृपा से, माँ का आशीर्वाद से इस जगजन्य जगत माता के दरबार में आकर के, इस आरती की परम पवित्र वेला में माँ के चरण बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का, पुण्य अर्जित करने का, माँ की विशेष कृपा प्राप्त करने का, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने का भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कहते हैं कि इस आरती की परम पवित्र वेला में समस्त देवी देवता जो है अपने रूप बदल करके माँ की आरती उपस्थित होते हैं, माँ की स्तुति करते हैं, और इस पवित्र वेला में जो भक्तजन माँ का स्मरण करते हैं उन्हें समस्त देवी देवताओं का एक साथ जो है आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, उनका जीवन दिव्य हो जाता है। तो
परम पवित्र उनका जीवन होते हैं और उनके सब कार्य सिद्ध होते हैं और सब ओर से उन भक्तों का मंगल मंगल होते हैं। जी जगजननी जगत माता सदा सर्वदा आप भक्तों पर इसी प्रकार से अपनी कृपा बनाए रखें, आप सब भक्तों का सर्वत्र मंगल मंगल करें। आपकी जो भी मनोबल सिद्ध कामना है माँ के आशीर्वाद से माँ की कृपा से सब पूर्ण हो। आपके जीवन में आपके गृहस्थ में सदा सर्वदा माँ के आशीर्वाद से जो है आनंद ही आनंद हो। बोलो सच्चे दरबार की जय। भजन की वेला निवेदन कर रहा हूँ जी से माँ के चरणों में एक भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्त कीर्तन सा योग दिन से मिलकर बोला ताली बजाते हुए श्री सूर्य जी जय कर मेरी शेरा वाली मैया जी बोलो सच्चे दरबार की जय। तू वरदानी माँ कल्याणी करो कल्याण जगदम्बे। तू वरदानी माँ कल्याणी करो कल्याण जगदम्बे। तू वरदानी माँ कल्याणी करो कल्याण जगदम्बे। करो कल्याण जगदम्बे। लगा के ध्यान आए हाँ करो काटा ध्यान जगदम्बे। लगा के ध्यान आए हाँ करो साडा ध्यान जगदम्बे। तू वरदानी माँ कल्याणी करो कल्याण जगदम्बे। तो वरदानी माँ कल्याणी करो कल्याण जगदम्बे। ताली सभी हाथ खोल कर लगाई ढीली ताली नहीं ताली की आवाज माँ के दरबार तक पहुँचे। एक बार सभी भक्त जन अपने अपने हाथ ऊपर उठा कर सभी माँ के चरणों में अपने अपने हाजिर दीजिए। हाथ सभी ऊपर माँ भगवती आप भक्तों की हाजिर स्वीकार करें, आपकी झोलियाँ भरे, आपकी मुरादें पूरी करें, आपका जीवन खुशियों से भर दे। ताली से दर्दे सिवा कोई ठिकाना होर ना मेरा ठिकाना होर ना मेरा ठिकाना होर ना मेरा। मैं लड़ फड़िया ए तेरा मां रखी साडा मान जगदम्बे। लड़ फड़िया तेरा मां रखी साडा मान जगदम्बे। तू वरदानी माँ कल्याणी करो कल्याण जगदम्बे। तू वरदानी माँ कल्याणी करो सगान जगदम्बे। तेरे वर्गा न कोई माँ मेरे वर्गे करोड़ा ने मेरे वर्गे करोड़ा ने मेरे वर्गे करोड़ा ने। थोड़ा दरबार है तेरा निराली शान जगदम्बे। सोना दरबार है तेरा निराली शान जगदम्बे। तू वरदानी माँ कल्याणी करो कल्याण जगदम्बे। तू वरदानी माँ कल्याणी करो कल्याण जगदम्बे। तेरे चरणों की तूली माँ मेरी तकदीर बन जाए मेरी तकदीर बन जाए।
दर्दी खाक बन जावा मेरा अरमान जगदा बैठे माँ तेरे दरबार दे अगे तेरे दरबार दे अगे तेरे दरबार दे अगे नसीबा नाल मिल जाए तेरा वरदान जगदम्बे के प्यार आए हाँ करो सट प्यार जगदम्बे लगा के प्यार आए हाँ करो सट प्यार जगदम्बे करो कल्याण जगदम्बे करो कल्याण जगदम्बे करो कल्याण जगदम्बे करो कल्याण मेरी शेरा वाली मैया जी दा बोल सच्चे दरबार की अगला भजन प्रस्तुत करेंगे श्री जयपाल जी जयकारा शेरा वाली दल बोल सच्चे दरबार की जय तेरे दरबार जगदम्बे मैं आशा लेके आया हूँ तेरे दरबार जगदम्बे मैं आशा लेके आया हूँ नहीं सुनता जिसे कोई सुनाने तुझको आया कुछ मेरे जो मैं तेरी नजर कर दूं नहीं है पास कुछ मेरे जो मैं तेरी नजर कर दूं जो मैं तेरी नजर कर दूं मगर एक आंसू का मैं पिरो कर हार लाया हूँ मगर एक आंसुओं का मैं पिरो कर हार
की दुनिया में आशका दीपक तमन्ना लेके आया हूँ, जला दो आशका दीपक तमन्ना लेके आया हूँ, तेरे दर पर जगदम्बे मैं खाकर ठोकरे जग की आया दर तेरे मैया, भाकर ठोकर जग की आया दर तेरे मैया, आया दर तेरे मैया, बचा लो मुझको दुनिया से बहुत ही मैं सताया हूँ, चालो मुझको दुनिया में बहुत ही मैं सताया हूँ, तेरे दरबार जगदम्बे मैं आशा लेके आया हूँ, तेरे दरबार जगदम्बे मैं आशा लेके आया हूँ, नहीं सुन जिसे कोई सुनाने तुझको आया हूँ, जिसे कोई सुनाने तुझको आया हूँ, तेरे दरबार जगदम्बे जयकारा श्रीवाली बोल सच्चे दरबार की जय। तभी एक भजन प्रस्तुत करेंगे श्री मंदिर जी, जयकारा श्रीवाली दीदा बोल सच्चे दरबार की जय। हे द्वार मैया दा वसदा रे, हर फूल बागदा हसदा रहे, ए द्वार मैया दा वसदा रहे, हर फूल बागदा हसदा रहे, ए द्वार मैया दा वसदा रहे, हर फूल बागदा हसदा रहे, ए द्वार मैया दा वसदा रहे, हर फूल बागदा हसदा रहे, द्वार मैया दा हसदा रहे, हर फूल बागदा हसदा रहे, ए द्वारा सोना द्वारा, ए द्वारा सोना द्वारा, ए द्वारा सोना द्वारा, ए बसदी अंदर उच्चा सुचा मंदिर, जग जननी बसदी अंदर उच्चा सुचा, जग जननी बसदी अंदर उच्चा सुचा मंदिर, जग जननी बसदी उच्चे पर्वत खड़े मीनारे ने, उच्चे पर्वत खड़े मीनारे ने, इत
हर फुल बागदा हसदा रे द्वार मैया दा वसदा रे हर फुल बागदा हसदा रे द्वार मैया दा वसदा रे
साथ गा रहे जयकारा शेरावाली जी दा बोल सच्ची दरबार की जय आरोड़ सिद्धस भ्रमत गगन दक्षिण चक सूत्र वामे हस्त दिभ्यां कणकमयां पुस्तकं जन गम्यं सभिनां हृदन्त स्वकृतकृजभि शास्त्र विज्ञान शब्द क्रीडन्त दिभिरूपा करकमलधर हरति सुप्रसन्न सच्चिय ज्योता भली माता तेरी सदा ही जय। आज का पंचांग विक्रमादित्य सुसंवत 2075 उत्तरायण दक्षिण गोल वसंत ऋतु फाल्गुन मास की आज 13 प्रविष्ट ही कृष्ण पक्ष आज सप्तमी तिथि ही सोमवार तदनुसार 25 फरवरी सन 2019 के दिन प्रातः काल आरती के समय आप भक्तजनों को माँ भगवती की असीम अनुकंपा से माँ के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े ही भाग्यशाली पुण्यात्मा हैं जब भक्तों को इस आरती की परम पवित्र वेला में माँ के चरणों में बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का इस जगजन्य जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ भगवती की इसी तरह से भक्तों की कृपा बनी रहे और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे। इस परम पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भवे संतते भाने भवे श्रीमान जसस्वे भवे प्रज्ञा भाने भवे भूर्भूत करणे धाने कनिष्ठ भवे तेजस्वी भवे धैर्य दर्वदलने व्यापार दक्ष भवे श्री शंभर पाद पुण्यरतः सर्वोपकारी भवे मंत्रार्थ सफला संत पूर्ण संत मनोर्थ शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम देशो शरीरवर्चस आयुष्मारोग्यमाविदात् शुभमानम हियते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें आपको सुख समृद्धि प्रदान करें धन धन्य से समृद्ध करें सब ओर से आपका मंगल करें आपकी यात्रा को सार्थक कर बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी आप सभी भक्त जन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे सब मिलकर बोलना थाली बजाते हुए ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी तुम कौन सदन ध्यावत मैया जी को भी सदन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव हरि ओम जय अम्बे गौरी नाथ सकर विराज एको मृग मद को मैया जी को या खड़ग खबरधारी
शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्ते
namastasyai 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 namo namah namastasyai namo namah yadevi sarvabhuteshu yadevi sarvabhuteshu lakshmi rupena sansita lakshmi rupena sansita namastasyai 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 namo namah namastasyai namo namah yadevi sarvabhuteshu yadevi sarvabhuteshu shraddharupena sansita shraddharupena sansita namastasyai 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 namo namah namastasyai namo namah yadevi sarvabhuteshu yadevi sarvabhuteshu dayarupena sansita dayarupena sansita namastasyai 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 namo namah namastasyai namo namah yadevi sarvabhuteshu yadevi sarvabhuteshu matrirupena sansita matrirupena sansita namastasyai 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 namo namah namastasyai namo namah buladurga mata ki jai vishnu mata ki jai lakshmi mata ki jai saraswati mata ki jai bol sachche darbar ki jai tab param pujy pujari ji maa bhagwat ki puja karke aapke samne इस गुफा द्वार पर आ गए हैं। इस पवित्र गुफा का पूजन करेंगे। अखंड ज्योति का पूजन हो गया, उसके उपरांत माँ भगवती की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब भक्तजनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और माँ भगवती से अपने कल्याण के लिए परिवार के सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। प्रेम से बोलो जय माता दी, सम्मल बोलो जय माता दी, सम्मल जय माता दी, 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 भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़ करके मां से प्रार्थना करेंगे। संभल करके बोलना ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम देहि मे परमं सुखम रूपं देहि जयं देहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि यशो देहि दिशो जहि ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तो निरामया सर्वे सन्तो निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चन मा कश्चन दुःखभाग् भवेत् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः 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 ॐ शान्तिः शान्तिः। अब
शांति पूर्वक बैठे बैठे आरती क्रम देखे सुने और मन ही मन माँ भगवती का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते हैं, आप सभी आरती आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। प्रथमे गुरु याद करे मेरे कार्य को हमेश आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण यो
Bir deyim ama pat diyor, pat dem hastiyor, arjem, muriyor, ayı,
Yeah.